बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए नियोजन हेतु विज्ञापन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो मेन पॉइंट है फ्रेंड आप लोगों के लिए 25/9/2023 आप लोगों को कहा जाए तो 23 है, 25/9/2023 है शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर आप लोगों के बीच में दिया गया है। लेकिन किन किन पॉइंट पे और किन किन विषय के लिए भर्ती आप लोगों के बीच दिया गया है यह चीज़ आप लोग को देखना ज़रूरी है। लेकिन मेन पॉइंट भी आप लोग को ये देखना है कि क्रमांक संख्या 1, 2, 3 लेकिन शिक्षक की जो श्रेणी है शिक्षकों की श्रेणी जो है वह प्रारंभिक शिक्षक प्रति शिक्षक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षक और प्रशिक्षित जो भी शिक्षक हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक। विषय की बात की जाए तो भाषा में आप लोग को सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान ये आप लोगों को बहुत ही मुख्य तौर से वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन जो शिक्षक की बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षक और प्रतिशिक्षित जो प्रतिशिक्षित हैं लेकिन मुख्य पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों के बीच जो निकल के आ रहा है इसको भी आप लोग एक बार गौर से देख लीजिए। 78 आपको भाषा में हैं, सामाजिक विज्ञान में 78 हैं, गणित एवं विज्ञान में भी 78 हैं। इस हिसाब से आप लोगों के बीच एक वैकेंसी निकाली गई हैं। और मैं बता दूं जो एक मुख्य पॉइंट भी हैं यह भी आप लोग को देखने की बात है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 38 जिले में 39 अन्य पिछड़ा वर्ग और कन्या आवासीय प्लस टू विश्वविद्यालय में संचालित किया जाएगा। ये आप लोग को वैकेंसी का डिटेल है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे बहुत ही व्यवस्था आप लोग के लिए बड़ी दिया गया है। चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 65 वर्ष होनी चाहिए और चयन प्रथम 2 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकता अनुसार 1-1 साल के लिए उनकी सेवा विस्तार उनके कार्यों के समीक्षा उपरांत किया जाएगा। जो मेन पॉइंट है उस चीज़ को एक बार आप लोग देख लीजिए। जो आवेदन करने का जो अंतिम डेट है वह है आपको 25/9/2023 तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं और जो भी प्रक्रिया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो मेन मुख्य पॉइंट है आइए चलते हैं और इसका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को एक बार आप लोग गौर से देखिए। वेबसाइट http://state.bihar.gov.in पे आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरा प्रक्रिया आप लोग को मिल जाएगा। बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने के अधिकार मतलब जो अधिकार है वह विभाग को है, विभाग अधिकार के अनुसार रद्द कर सकता है। लेकिन जो भी प्रक्रिया है ये फॉर्म इस तरह के फॉर्म आप लोग को मिलेगा, इस तरह के फॉर्म मिलेगा जो कि पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा और ये आवेदन जो प्रपत्र हैं उसके बाद आवेदक का पद, आवेदक पिता का नाम, जन्मतिथि, सेवानिवृत्त जो भी हैं, आधार नंबर, सारा प्रक्रिया इसको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद जैसे अररिया, अरवल, बांका, जैसे कि आपको बेगूसराय, भागलपुर जो भी है सभी का अनुसूचित जनजाति पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पॉइंट के हिसाब से आपको वहाँ पे फॉर्म में डील करना है, फॉर्म में अंकित करना है। और अंकित करने के बाद आपके बीच जो नया विंडोज खुलेगा इस चीज़ को आपको एक बार देखना है। देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे सभी जिला का सभी वर्ग के लिए कौन कौन सा कोड है, कौन कौन सा मार्क है, इस चीज़ को यहाँ पे दिया गया है और दर्शाया भी गया है। जितने भी फ्रेंड हैं आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर ले और मेरे वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो विजिट कर ले ताकि हम इस तरह का नए नए अपडेट आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करूँ। आप लोग देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों के बीच एक नया अपडेट लाने का मैं प्रयास करता हूँ। बिहार के कहा जाए तो सभी जिले लगभग सभी ज़िले के यहाँ पे छात्र छात्राएं आवेदन किए हैं और सभी अपना वर्ग चुन के इस वर्ग में भरने का प्रयास किए हैं कि हम किस कास्ट में कौन सा वर्ग चुनाव किए हैं उस वर्ग में ही एग्ज़ाम दें और उस वर्ग में ही अपना योगदान निभाने का प्रयास करें। ये आप लोगों की जो अपडेट हैं यह हमेशा मैं लाने का प्रयास करूँगा
और जो अपडेट आप लोग तक है वह शेयर करने का मुझे भी प्रयास कीजिएगा। बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।